अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे टेम्पलेट बनाना, किसी भी शर्ट की, टी शर्ट की या कोई भी हमारा ड्रेस हो उसके हम टेम्पलेट या उसे आउटलाइन वर्क में बना सकते हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टाइटल यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, मेंस टी शर्ट टेम्पलेट, और मेरे पास इमेज ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है। ठीक है, मैं इसे सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अलाइन करने के बाद मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया और मैं इसे लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, लॉक हम करेंगे, पहले इसकी हम परसेंटेज थोड़ी सी मतलब ओपेसिटी कम कर दें। ट्रांसपेरेंसी में आएंगे, ट्रांसपेरेंसी आपके पास यहाँ शो नहीं होना, सो आप विंडोज़ में आइए और विंडोज़ में आपके पास होगा ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यहाँ से आप इसका शिफ्ट शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके आप इसको ऑन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ओपेसिटी हम करेंगे कम करेंगे, सो हमारे पास इस बार 100% है, हम इसे 50% कर लेते हैं ताकि हमारी जो भी आउटलाइन हो वो इस पर प्रोमिनेंट हो। ठीक है, ओपेसिटी कम करने के बाद हम इसे लॉक करेंगे इस लेयर को, Ctrl+2। ठीक है, ये हमारी लेयर जो है ये लॉक हो चुकी है, अब ये कहीं मूव नहीं होगी, ना ही ये हमसे सेलेक्ट होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टेम्पलेट बनाने के लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो पेन टूल हम सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट पी है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से टूल बार से भी पेन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेन टूल में हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन चाहिए होता है, जस्ट पेन टूल। ठीक है, ना हमने इसमें एंकर पॉइंट्स ऐड करने हैं, ना डिलीट करते हैं, और ना ही एंकर पॉइंट्स को हमने चेंज करना है। ठीक है, सो हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे पेन टूल, और इसे थोड़ा सा जूम करेंगे, उसके ऊपर हम ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिलहाल सेंटर पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, ये इस शर्ट का मतलब जो हमारी नेक है उसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से हम यहाँ से यहाँ तक एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे। ठीक है, और एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास इसका फिल शो हो रहा है। ठीक है, सो हम इसका फिल ऑफ कर देंगे और इसकी आउटलाइन को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि हमें इनसाइड जो भी होगा, जो हमारा आर्टवर्क होगा, जो हम लाइन बना रहे होंगे, इस पर जो पाथ बना रहे होंगे वो हमें शो हो। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रोक इसका फिल ऑन रखता हूँ तो आप देखिए कि ये फिर कुछ अजीब सा होगा। मैं अगर इसमें मज़ीद पॉइंट ऐड करूँगा, जैसे कि मैं इस पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ तक ऐड कर रहा हूँ, तो आप देखिए इसमें ये पर्पल का शेड आ रहा है, सो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग होगा। सो इस वजह से मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से इस फिल जो है इसका मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, फिल ऑफ करने के बाद मैं दोबारा पेन टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस एंकर पॉइंट पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ एक एंकर पॉइंट मज़ीद ऐड किया। ठीक है, और अच्छा कंटिन्यू करने के लिए अब मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा, सो मुझे अगर यहाँ नेक्स्ट एंकर पॉइंट चाहिए, सो देखिए कि कर्व यहाँ ठीक नहीं आएगा। ठीक है, मुझे अगर यहाँ चाहिए सो ये अजीब सा होगा, सो इसलिए हमें इस पॉइंट को क्लोज करने के लिए हमें यहाँ जस्ट सिंपल क्लिक करना होगा माउस से। ठीक है, माउस करेंगे, अब हम यहाँ से यहाँ तक ही एक सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसे लाइट स्लाइटली सा बिल्कुल इसको कर्व करेंगे, देन उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ एक और एंकर पॉइंट ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कर्व रखेंगे इसको भी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ भी एक लाइन लेंगे, लेकिन थोड़ी सी कर्व लेंगे। ठीक है, बिल्कुल माइनर सी, जैसे कि मेंस की शर्ट होती है। ठीक है, यहाँ हम नीचे कॉर्नर तक लेंगे इस एंकर पॉइंट को, मैं जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे बिल्कुल ठीक से नज़र आए। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारा सेंटर पॉइंट था, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, मेरे पास सेंटर पॉइंट इसका शो हो रहा है क्योंकि मैंने स्मार्ट गाइड ऑन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास स्मार्ट गाइड ऑन नहीं है, मैं सिलेक्शन को यहाँ इस वक्त स्केप कर रहा हूँ। ठीक है, स्किप का बटन मैंने प्रेस किया और यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। अब यहाँ आएंगे व्यू, व्यू में है हमारे पास स्मार्ट गाइड। ठीक है, अगर मैं स्मार्ट गाइड मैंने इस वक्त ऑफ कर लिया है, ठीक है, स्मार्ट गाइड को, अगर स्मार्ट गाइड को मैं ऑफ रखूँगा, देन आप देखिएगा मैं अगर इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ, सो मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता नहीं लग रहा कि सेंटर पॉइंट कहाँ है इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मुझे चला नज़र आ रहा है कि ये है सेंटर पॉइंट, बट यहाँ का मुझे समझ नहीं आ रहा, सो इसके लिए मुझे स्मार्ट गार्ड ऑन करना होगा। व्यूज़ में आएंगे, स्मार्ट गार्ड इसका शॉर्टकट है Ctrl+CO। ठीक है, क्लिक करेंगे, अब हमारा स्मार्ट गार्ड ऑन हो चुका है। अब दोबारा से हम पेन टूल लेंगे, इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए मेरा स्मार्ट गार्ड ऑन हो चुका है, सो मुझे इसका सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है। ठीक है, सो हम इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे और देन इसको रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद
अब जो हमारी ये वाली जो हमने एक पाथ बनाया है, ठीक है, आउटलाइन जो बनाई है, इसको हम जूम करेंगे और यहाँ से इसका कर्व थोड़ा सा जहाँ जहाँ से ठीक नहीं होगा वो आप ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के लिए क्या करना होगा आपको, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना होगा और जिस एरिया में आपने करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस एरिया में ये पार्ट ठीक करना है, सो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करके कुछ एरिया सेलेक्ट करूँगा ताकि हमारी ये लाइन सेलेक्ट हो जाए। अगर मैं चाहूँ सो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करके भी कर सकता हूँ, लेकिन ये फिर ओवरऑल सेलेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेलेक्टेड पार्ट को करूँगा सो मेरे पास फिर हैंडल शो होंगे, ठीक है। मैंने अब इसको सेलेक्ट किया, सो अब देखिए मेरे पास एक हैंडल शो हुआ है, ठीक है। अब इस हैंडल को मैं क्लिक करके रखूँगा माउस के बटन और थोड़ा सा नीचे की तरफ इसे कर्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा कर्व हो गया, मुझे थोड़ा कम चाहिए, सो अब ये परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम इसका अपोजिट भी बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट हमें हाफ पार्ट पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। ये जो लेयर है, ये जो पाथ है हमारी, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये अब हमारे पास दो पाथ हो चुकी है। अगर मैं एक को साइड पे रखता हूँ तो देखिए ये हमारे पास सेकंड है, ठीक है। सो जो हमारी फर्स्ट वाली है इसे मैं लॉक कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस टू, ठीक है। लॉक करने के बाद बल्कि मैं पहले अंडू कर रहा हूँ ताकि दोनों सेम पोजिशन पर आ जाए, और एक पाथ को मैंने सेलेक्ट किया और लॉक किया कंट्रोल प्लस टू, ठीक है। अब जो सेकेंड है पाथ हमारी, वो हमारी सेलेक्ट होगी, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे मुझे एक एंकर पॉइंट चाहिए क्योंकि मुझे इसका आर्म होल बनाना है, ठीक है। सो आर्म होल बनाने के लिए इसमें मुझे एक एंकर पॉइंट ऐड करना है। एंकर पॉइंट हम कैसे ऐड करेंगे, मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ आप देखेंगे यहाँ से हम प्लस का साइन शो हो रहा है, सो इसका मतलब है ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ क्लिक किया और इस लाइन पर जिस पोजिशन पर मुझे एंकर पॉइंट चाहिए, मैं इसे जूम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ एंकर पॉइंट चाहिए, सो मैं इस लाइन के ऊपर यहाँ क्लिक कर दूंगा। सो ये देखिए यहाँ आपके पास एक मज़ीद पॉइंट ऐड हो चुका है, ठीक है। पॉइंट ऐड करने का मकसद ये था कि मुझे सेंटर में एक आर्म होल चाहिए, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ, देन इसको भी सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पे भी आपको तीन एंकर पॉइंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट है, हम इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेलेक्ट किए बाहर ही डिलीट करूँगा तो फिर ओवरऑल जितना भी हमारा एरिया होगा सब जगह से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो मैं अंडू कर रहा हूँ, अब देखिए सिलेक्शन शो हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ डिफरेंट, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। हमारी जो ग्राउंड वाली जो नीचे वाली लेयर है वो जो हमने लॉक की है ये ब्लैक है, सो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम येलो रख देते हैं या ऑरेंज रख देते हैं, ठीक है। और इसे हम फ्रंट पे ले आते हैं, सो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारी ब्लैक वाली लेयर है और ये हमारी ऑरेंज वाली है, ठीक है। सो हमें आर्म होल बनाना है, सो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को भी रिमूव कर रहा हूँ, जूम करके इस पॉइंट को भी रिमूव कर रहा हूँ, देन इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास सिलेक्शन सिर्फ इस एरिया की बाकी है, ठीक है। सो अब यहाँ हमें एंकर पॉइंट इसमें ऐड करना है, सो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और पेन टूल जस्ट सेलेक्ट करना है मुझे, ठीक है। पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक किया। अच्छा, हमने यहाँ एंकर पॉइंट प्लस वाला सेलेक्ट किया हुआ है, सो हम सिंपल पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे लाके मैंने एक और क्लिक किया, लेकिन माउस का बटन रिलीज़ नहीं किया क्योंकि मुझे कर्व चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ये मैं थोड़ा कर्व एग्जैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब ये देखिए ये हमारा आर्म होल जो है बन चुका है, या हाफ स्लीव जिसे हम कहते हैं, ये हाफ स्लीव भी हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक लाइन है, ठीक है, इसकी राउंड शेप हम बना लेते हैं। पेन टूल अगेन सेलेक्ट करूँगा और एंकर पॉइंट यहाँ ऐड करूँगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आपको पता नहीं है कि इसका एंकर पॉइंट यहाँ कहाँ है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस वाई यूज़ कीजिएगा। कंट्रोल वाई जैसे ही करेंगे आपके पास आउटलाइन मोड इसका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप सिर्फ सिंपल ये जो कॉर्नर आपको शो हो रहा है, यहाँ यहाँ से सिर्फ एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे और इसका आउटलाइन मोड हम ऑफ कर देंगे, कंट्रोल वाई अगेन प्रेस करेंगे, ठीक है। जूम आउट कर रहा हूँ मैं, देन ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सो यहाँ मैं क्लिक करके इसे कर्व शेप बना रहा हूँ, ठीक है। सो अभी देखिए ये हमारे पास एक लाइन यहाँ ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। इसी लाइन की एक कॉपी मैं लूँगा ऑल्ट के साथ प्रेस करके। अब देखिए ऑल्ट के साथ मैंने प्रेस किया, सो अब इसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं आ रही, मुझे यहाँ चाहिए। सो मैं अगर चाहूँ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से भी ले सकता हूँ, इसे सेलेक्ट करूँगा और इसे मूव कर सकता हूँ मैं यहाँ तक, ठीक
ठीक है, ये हमारा पॉइंट है और ये हैंडल हमारे पास शो हो रहा है। सो इस हैंडल की मदद से मैं इसका कर्व थोड़ा सा और बैंड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अब इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने, और इस एंकर पॉइंट के कॉर्नर्स पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए मैं जैसे इसके करीब आए कॉर्नर पे, सो ये आपको एक वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है, ये वाइट बॉक्स। ठीक है, इसे सेलेक्ट किया और शिफ्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा हमें, या अगर शिफ्ट का बटन हम प्रेस नहीं करेंगे, सो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। सो हमें दोनों सेलेक्ट करना है, इसलिए मुझे पहले इसे सेलेक्ट करना है। लाजमी नहीं है कि पहले किसको सेलेक्ट करना है, आप दोनों में से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने फर्स्ट इसको सेलेक्ट किया, देन मैं शिफ्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और इस एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर आप ऐसे सिलेक्शन लेने में आपको मसला हो रहा है, आप नहीं ले पा रहे, सो उसके लिए आसान तरीका है, आप सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और कुछ एरियाज़ में यहाँ ड्रैग करेंगे, सो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि बाकी जितनी लेयर्स होगी आपकी वो लॉक हो। ठीक है, अगर वो लॉक नहीं होंगी उस कंडीशन में, फिर सब सारे एरिया में जितनी भी लेयर्स होंगी, जितने भी एंकर पॉइंट्स होंगे, वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। सो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि बाकी की लेयर्स लॉक होनी चाहिए। सो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन दोनों को सेलेक्ट किया, इन दो पॉइंट्स को। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स मेरे सेलेक्ट हो गए, तो ये देखिए कि इसमें ब्लू कलर फिल हो चुका है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप देखिए यहाँ इसमें ब्लू डॉट शो हो रहा है। ठीक है, पहले इसमें वाइट डॉट था और हम यहाँ देखेंगे तो अब ये देखिए यहाँ वाइट बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, दोनों में, क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं है। अगर मैं इसे भी सेलेक्ट कर लूँगा तो ये भी ब्लू हो जाएंगे। सो हमने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, अब मैं राइट क्लिक करके इसे ज्वाइंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये पोर्शन हमारा ज्वाइंट हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ जो ये लाइन है ये कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि इसकी पोजीशन ठीक नहीं है। सो मैं कंट्रोल वाई करूँगा, इसकी आउटलाइन और ऑन करूँगा और यहाँ देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये लाइन हमारी जो मेन आउटलाइन है जो शर्ट की है उससे थोड़ी सी नीचे है। सो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसे सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ताकि दोनों की पोजीशन सेम हो जाए, और हम इसका आउटलाइन मोड ऑफ करेंगे, कंट्रोल वाई। ठीक है, अच्छा अब देखें कि ये जो हमने शेप बनाई है इसके कॉर्नर्स जो है बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक है, मुझे इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ताकि इसमें स्मूथनेस हो, ये शार्पनेस इसमें ख़त्म हो। तो उसके लिए मैं यहाँ आऊँगा स्ट्रोक, और स्ट्रोक में यहाँ हमारे पास कैप है, कॉर्नर्स हैं, सो हमें कॉर्नर्स करने हैं। सो कॉर्नर में हमारे पास फर्स्ट वाला लेडी सेलेक्टेड है, सो हम सेकंड वाला करेंगे राउंड ज्वाइंट। ठीक है, इस पर मैं जैसे ही चेक मतलब क्लिक करूँगा, सो आप देखिए इसके कॉर्नर्स राउंड हो गए। ठीक है, लेकिन जो हमारी बैक की लेयर्स थी जो ब्लैक वाली है उसके राउंड नहीं है। अब मैं इसे भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके भी सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको राउंड कर लूँगा। ठीक है, हमेशा राउंड रखिएगा ताकि इसके जो कॉर्नर्स जो एजेस होते हैं वो शार्प ना हो, वो थोड़े सॉफ्ट से हो। सो मैं कंट्रोल ऑल्ट टू प्रेस कर रहा हूँ ताकि सारी लेयर्स मेरी अनलॉक हो जाए। ठीक है, और मैं ग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट करके इसे लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो हमारी ब्लैक वाली लेयर थी, और इसको भी मैं यहाँ से राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब देखिए ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, लेकिन कलर डिफरेंस है इस वजह से इस वक्त अजीब से लग रहे हैं। सो हम इसे आगे चल के इसे भी फिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा हमारा लेफ़्ट पार्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो अब हमें यहाँ जो स्लीव है उसका हाफ पार्ट शो करना है। सो मैं सिंपल पेन टूल लूँगा। ठीक है, और पेन टूल लेने के बाद प्रीव्यू मोड इसका ऑन करूँगा, आउटलाइन मोड, ताकि मैं प्रॉपर लाइन ले सकूं। अब मैं इस माउस जो हमारी आउटलाइन है इसी के ऊपर माउस का कर्सर रखूंगा। ठीक है, ताकि मुझे सिलेक्शन लेने में आसानी हो, और देन हम यहाँ क्लिक कर लेंगे जहाँ हमें लाइन चाहिए होगी। ठीक है, सो मैं लाइन लेके यहाँ से इसको थोड़ा सा मैंने ड्रैग किया है। ठीक है, थोड़े से थोड़ी सी राउंड शेप इसमें हो, ये भी हो गई। अब हमें चाहिए एक डॉटेड लाइन, स्टिचेस की जो लाइन होती है वो हमेशा डॉटेड होती है। अगर आप अपनी शर्ट्स वगैरह भी देखें तो उस पर आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही होंगी, जहाँ भी आपकी स्टिचेस होंगी, शर्ट में हो या पैंट में हो, कोई भी चीज़ हो उस पर डॉटेड लाइन आपको नज़र आएगी। सो हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रोक मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 2 पॉइंट्स कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी बारीक हो जाए। ठीक है, सो मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, यहाँ इसे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों लेयर्स ये सेम हैं, सो हम इस वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रोक मैं ऑफ करके दोबारा ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता हो, और स्ट्रोक में यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा डैशेस, डैश्ड लाइन। ठीक है, सो इसे चेक यहाँ लगाएंगे, इसे ऑन करेंगे
और यहाँ देखिएगा ये दो ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ है हमारे पास डैश का जो गैप है वो कितना चाहिए। अब हमें डैश चाहिए इसके, इस वक्त है 12 पॉइंट, सो हम 12 पॉइंट का स्पेस अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो हम इसे 5 पॉइंट कर देते हैं। और गैप कितना रखना है बीच का, मतलब एक डैश से सेकंड डैश तक का गैप कितना रखना है वो भी हम इक्वल रखेंगे, सो हम 5 प्रेस कर देते हैं, ठीक है। सब में है 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डॉटेड लाइन भी इसमें स्टिचेस की जो हमारी लाइन है वो ऐड हो चुकी है। अच्छी जो हमारी स्टिच वाली लाइन है ये कुछ अजीब सी शेप में आ रही है, मतलब इसके जो कॉर्नर्स है वो बिल्कुल शार्प है, जैसे कि मैंने कहा राउंड करने हैं। सो हम इसके जो कैप्स है ये कैप्स को भी हम राउंड कर देंगे, ठीक है। कैप को राउंड जैसे ही करूँगा आप देखें इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। और इसका स्ट्रोक हम थोड़ा सब और कम कर देते हैं, 1 पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका गैप भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं 3 पॉइंट्स कर देता हूँ, सब में 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स बेहतर है, ठीक है। अच्छा ये जो हमारी लहर है इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसका कलर भी हम रख लेते हैं ब्लू, वो ब्लैक जो कि हमने इसका रखा था, ठीक है। और देन इस ऑरेंज का भी हम कलर यहाँ से ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये अब हमारी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अब जितनी भी हमारी लेयर्स हैं, ठीक है, जो भी जितनी भी हमारी पास है सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ये स्टिच वाली है इसे मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो अब हमारी बाकी की जितनी भी है वो सब सेलेक्ट हो गई है। सो मुझे सबका जो स्ट्रोक का साइज़ है वो इक्वल रखना है, ठीक है। सो हम इसका रखते हैं 2 पॉइंट्स, ठीक है। और स्टिच का जो हमने साइज़ रखा है वो है 1 पॉइंट। अब हमें यहाँ भी एक स्टिच ऐड करनी है, सो मैं सिंपली यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ लाके ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। एक कर्व सा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब हमारी ये स्टिच यहाँ भी अप्लाई हो गई। अच्छा फॉर एग्जांपल आपको ये सीधी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें डैश वगैरह कुछ भी ना हो, इस वक्त डैश हम यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। मुझे यही डॉटेड वाली लाइन जो है, जो स्टिच वाली लाइन है, इस पे अप्लाई करनी है। सो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे और आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट है आई, और यहाँ टूल बार में भी हमारे पास शो हो रहा है। सो मैं सिंपली इस लेयर को, इस पाथ को सेलेक्ट करने के बाद जो हमारी डैश वाली लाइन होगी उसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वही डैश लाइन हमारे पास यहाँ भी हो चुकी है। तो मैं इसे जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं आउटलाइन मोड में अब जा रहा हूँ। आउटलाइन मोड में मुझे यहाँ का थोड़ा कर्व कुछ बेहतर नहीं लग रहा, क्योंकि ये कर्व कुछ ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर वाला काम है और नीचे वाला थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे। सो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, या दिस इज़ फाइन, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे माउस का बटन और इसकी एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है। कॉपी बनाने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और अरे इस ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। हम रिफ्लेक्ट में जैसे ही आएंगे, अब ये देखिए 90 डिग्री पे यहाँ रिफ्लेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से प्रीव्यू इसका ऑफ करता हूँ, सो ये अपनी पोजीशन पे शो हो रहा है, लेकिन प्रीव्यू ऑन था, सो इस वजह से ये रिफ्लेक्ट हो गया 90 डिग्री पर। यहाँ पे डिग्री आपको शो हो रहे वर्टिकल 90 डिग्री, ठीक है। हॉरिजेंटल करूँ तो फिर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो हमें वर्टिकल चाहिए, हमने वर्टिकल किया और जस्ट ओके करना है, क्योंकि हमें इसकी कॉपी नहीं चाहिए, जस्ट हमें ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद अब मैं ये जो हमारी लेयर्स हैं, जितनी भी पार्ट्स हैं इसमें, इसे मैं सेलेक्ट करके इसके साथ ज्वाइन करूँगा, ठीक है। सो मैं इन सबको मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन मिस हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपसे कहीं क्लिक हो जाता है, सो आप अगेन इन सबको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और जूम कीजिए। जूम करने के बाद इसे आगे की तरफ मूव करें, ठीक है। अगर आपके पास स्मार्ट गाइड ऑन होगा तो आपके पास यहाँ इंटरसेक्ट शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ इंटरसेक्ट अभी शो हो रहा था कुछ देर पहले, ठीक है। सो इस तरीके से हम एक शर्ट की टेम्पली बिल्कुल आसानी से 5 से 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। अच्छा अब हमें इसमें एक और काम करना है, वो ये करना है कि हमारी जो ये लेयर है, अब जितनी भी हमारी लेयर्स है वो सब सेपरेट हैं, ठीक है। सो हमें इन सबको ज्वाइंट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ इस एरिया में ड्रैग करूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सेंटर में 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और राइट क्लिक करके मैं इसे ग्रुप कर दूँगा, ठीक है। अच्छा ग्रुप करने, ज्वाइन करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ,
अब मुझे इस शर्ट में कलर फिल करना है। सो अगर मैं लेफ़्ट पार्ट सेलेक्ट करके इसमें कलर फिल करता हूँ, सो अब ये देखिए हाफ पोर्शन में कलर सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। मुझे फुल में चाहिए क्योंकि ये हमारी सेपरेट लेयर है और ये हमारी सेपरेट है, सो इस वजह से इस पर कलर अप्लाई नहीं हो रहा, वो हाफ पोर्शन में हो रहा है। सो इसलिए हमें पहले से ज्वाइन करना होता है, ठीक है। अगर आपने कलर फिल कर लिया देन आपको याद आया कि मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो कोई इशू नहीं, आप डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ नीचे बॉटम पर भी आएंगे, यहाँ बॉटम में भी देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, सो इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये भी ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। सो इसके बाद हम इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसमें कोई भी कलर हम इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। फिल करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, देन अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है। अब ये बैक पे जा चुका है, ठीक है। अच्छा, हमने इसकी ओपेसिटी कम की है और इसके ऊपर एक और लेयर है, सो इसकी वजह से ये कलर इसका लाइट आ रहा है। सो हम इसे वन स्टेप अप लेंगे, सो कंट्रोल प्लस, हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसे वन टाइम प्रेस किया है, सो इसका अब ये कलर आ चुका है, ठीक है। क्योंकि इस अगर मैं इसे अंडू करूं, सो आप देखिए इसमें जो हमारे पास टेम्पलेट थे उसके इफेक्ट शो हो रहे थे क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम लेयर पे थी, ठीक है। सो अब हमें इसे एक स्टेप अप लेना होगा, सो कंट्रोल के साथ हम राइट वाला राउंड स्क्वायर ब्रैकेट सेलेक्ट कर क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास ये दो जॉइंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों को भी सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर मैं यहाँ करूँगा तो आप देखिए मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही। सो या तो आप जो हमारी लेयर है जिसमें हमने फिल किया है ये वाली, जिसको आप या तो लॉक कर दीजिए, और या फिर इसका जो कलर है फिलहाल टेम्प्रेरी इसका कलर फिल मत कीजिए, पहले सारे लाइंस जो लेयर्स हैं हमारी उन सबको मर्ज कर लेते हैं। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और राइट क्लिक करके इसे ज्वाइन करेंगे, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके इसे भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे बॉटम पर, अच्छा बॉटम पे तो ये हम ज्वाइन कर चुके थे, ठीक है। अच्छा, ये ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ भी एक लाइन चाहिए होगी, ठीक है, और एक स्टिच लाइन चाहिए होगी, और इसको भी जो हमारे पास ये दो लाइंस है डॉटेड वाली स्टिच वाली, इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों भी सेपरेट हैं, सो डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेंगे और इन दोनों को भी सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करेंगे, अब देखेंगे अब ये ज्वाइन हो चुके हैं, हमारे जितने भी शेप्स थे, जितने भी लेयर थी, वो सब की सब आपस में ज्वाइन हो चुकी है, ठीक है। हम नीचे के लिए एक लाइन बनाएंगे, दोबारा से आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप इसकी एक डुप्लीकेट लेयर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है। अभी हमारे पास दो लेयर्स आ गई, एक लेयर को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ टू स्टेप डाउन कर देते हैं, ठीक है। टू स्टेप डाउन करने के बाद डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ से हम एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसे रिमूव कर देंगे, बल्कि इस पॉइंट को भी रिमूव कर देंगे, और इसी तरह हम यहाँ भी सिलेक्शन लेंगे, इसे रिमूव कर देंगे, इस पॉइंट को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये देखिए मेरे पास ये नीचे की एक लाइन बच गई है, ठीक है, और यहाँ देखिए जो हमने इसका कुछ पार्ट यहाँ से रिमूव किया था और कुछ यहाँ से, सो उसका कुछ पार्ट ये भी है हमारे पास, ठीक है। सो मैं इसे भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद हमने इसको टू स्टेप डाउन किया था, सो हम अब शिफ्ट के साथ टू स्टेप आपको प्रेस करेंगे, ठीक है, और वन स्टेप मज़ीद करेंगे ताकि इस पोजीशन पे आए, ठीक है। इसके बाद हम इसी की एक और कॉपी लेंगे, ठीक है, हमें डॉटेड लाइन के लिए चाहिए, डॉटेड लाइन का स्ट्रोक हमेशा कम रखना है, ठीक है, जो नॉर्मल साइज़ होगा उसका हाफ रखना है। सो हमारी जो ये आउटलाइन है इसका है टू पॉइंट्स, सो हम डॉटेड को वन करेंगे, ठीक है, और वन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके इस डॉटेड लाइन पे क्लिक कीजिए, आपके पास खुद ब खुद इसका स्ट्रोक वन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और इसकी डॉटेड लाइन भी ऐड हो जाएगी। सो ये हमारा जो फ्रंट पोर्शन था ये अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम चाहें तो इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, हम इसमें ब्लू लाइट कलर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और जो स्लीव है, अच्छा ये देखिएगा मैंने यहाँ स्लीव का एक अलग पोर्शन बनाया था, ठीक है, स्टार्ट में जो हमने आर्म होल्स में ऐड किया था, वो बनाने का मकसद ये होता है कि समटाइम्स हमें सेंटर का कलर डिफरेंट रखना होता है और स्लीव का कलर सेपरेट, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें एक अलग जो लेयर है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो अब मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ, इसमें हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है, और इसी तरह मैं इसे भी सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल की मदद से
इस यहाँ से हम वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक लाइन है, नेक लाइन को भी सेलेक्ट करके हम इसमें भी कलर ये वाला अप्लाई कर सकते हैं आई ड्रॉपर पेन टूल की मदद से। ठीक है, सो अब इस तरीके से हम कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं आर्मों वाली शेप ना बनाऊँ सो इसमें फिर हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, उसके बाहर हमारा कलर फिल नहीं होगा। सो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, अंडू करने के बाद अब मैं इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी एक कॉपी मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये है हमारा फ्रंट। ठीक है, और अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हमारा बैक। ठीक है, अच्छा बैक में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम आसानी अपनी आसानी के लिए हम इसका कलर ऑफ़ करेंगे, फिल जो है इसका ऑफ़ करेंगे, इसे आउटलाइन ही रहने देंगे। ठीक है, बैक की जो लाइन होती है, अब ये फ्रंट पे हमारी जो नेक लाइन है वो हम शो करते हैं, बैक पे कुछ नहीं होता, बैक पे जस्ट नेक लाइन शो करनी होती है। ठीक है, सो मैं इसका फिल भी ऑफ़ कर रहा हूँ और इस लाइन को भी ऑफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको भी ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी लेयर है, मेन जो लेयर है, जो मेन आउटलाइन है, ठीक है, मैं इसकी एक अदद कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप कॉपी नहीं लेना चाहते, आप चाहें कि कॉपी लेना और फिर उसको सेपरेट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, सो उसके लिए एक आसान हल है हमारे पास। इस लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ आएंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद है पाथ, ऑफसेट पाथ। ठीक है, ऑफसेट पाथ मैंने जैसे ही ओपन किया है सो मेरे पास इसका प्रीव्यू शो हो रहा है, यहाँ से इसका प्रीव्यू ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू जो है इस वक्त प्लस में है, सो मैं इसकी वैल्यू से पहले जस्ट माइनस लगा देता हूँ। अब देखिए इसकी वैल्यूज़ माइनस में आ गया, हमें थोड़ा सा माइनस और नीचे चाहिए। सो अभी देखिए 0.25 और 0.125, सो हम इसको 15 कर देते हैं। ठीक है, और बल्कि 10 कर देते हैं, 10 पे वही है, सो हम 0.2 कर देते हैं, 0.18 कर देते हैं। अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो गए। ठीक है, आपकी जो भी मतलब वैल्यूज़ होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से वैल्यूज़ चेंज करके परफेक्ट बिठा सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इसे ओके करेंगे, और ओके करने के बाद इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है, यहाँ से ये पोर्शन डिलीट करना है, यहाँ से इस पोर्शन को डिलीट करना है। ठीक है, और फिर ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस है, ठीक है, जो कि अभी हमने बनाई हैं, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अभी हमारे पास एक लाइन बन चुकी है, सो अब हम चाहें सो इसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक एंकर पॉइंट हम यहाँ भी ऐड कर देंगे, लेकिन देखिएगा कि इसमें कर्व नहीं आ रहा, सो हम इसे एंकर पॉइंट जैसे ही ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा यहाँ कर्व ऐड करेंगे। ठीक है, और सेम फिर वही अप्लाई हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें थोड़ा सा कर्व हम यहाँ भी दे देंगे। अगर आपको लग रहा है कर्व ठीक नहीं है सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इस पाथ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपको हैंडल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस हैंडल की मदद से हम इसका कर्व मज़ीद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कर्व, अब ये कुछ ठीक है। ठीक है, अच्छा कर्व लेने के बाद अब आप देखिए यहाँ एक हमारे पास स्टिच लाइन भी थी, डॉटेड लाइन। ठीक है, सो अगेन क्या करेंगे, हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद हम इस पर डैशेस अप्लाई करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे और सेम डैशेस यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद अब ये देखिएगा इसका साइज़ छोटा आ रहा है मज़ीद, सो हम दोबारा से डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेंगे और इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसे अपनी पोजीशन पे लेके आएंगे। ठीक है, ताकि इसका कर्व बिल्कुल प्रॉपर बन सके। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ से भी करेंगे। ठीक है, सो ये अब हमारा बैक भी बन चुका है। अब हम इसमें भी कलर फिल करेंगे, जो हमारी मेन लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम ये वाला कलर अप्लाई करेंगे, सो आई ड्रॉपर टूल लेंगे और यहाँ से कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारी जो ग्राउंड की लेयर है उसे हम अनलॉक कर देते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस 2। ठीक है, और इसे साइड पे मूव कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों नज़र आए। अच्छा, इसकी ओपेसिटी हमने कम की थी अगर आपको याद होगा ट्रांसफॉर्म से, सो यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आइएगा, अगर यहाँ नहीं आपके पास शो हो रहा, विंडोज़ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से हम इसकी ओपेसिटी 30% हमने की थी, इसको
इसको हम 100% कर देते हैं, ठीक है। सो अब देखें ये हमारा टेम्पलेट बन चुका है, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।